नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है DSSB यानी दिल्ली सरकार का ये आयोग है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके थ्रू जो वैकेंसी निकलते हैं वो दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसी फिल कराता है। जैसे SSC है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी तरह से ये DSSB दिल्ली गवर्नमेंट का है। UP में UP SSSC सुना होगा आपने। तो इसमें जो वैकेंसी निकली है ये 2354 पोस्ट पर हैं। इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड 1, इस तरह की वैकेंसी हैं ये सभी दिल्ली के जो अलग अलग विभाग हैं उनमें। देखिए जैसे इसमें टोटल वैकेंसी होगी 2354, अप्लाई डेट 1/9/2024 यानी 1 जनवरी से और 7 फरवरी के बीच इसमें आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फीस इसकी 100 रुपये है और जो छूट मिलती है अलग अलग कैटेगरी में वो फीस से छूट मिल जाएगी, जैसे वोमेन की या SC ST की छूट नहीं लगती है शायद। पोस्ट इसमें LDC, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इस तरह की पोस्ट हैं। एज 18 से 27 वर्ष, ये है क्या, जूनियर असिस्टेंट और LDC एक ही काम है इनका। राज्य सरकार में जूनियर असिस्टेंट बोल देते हैं LDC को और सेंट्रल गवर्नमेंट में LDC, तो ये दिल्ली सरकार है, इसमें कनिष्ठ सहायक कह लो या LDC बात एक ही है। 18 से 27 वर्ष एलिजिबिलिटी, 12th पास और ग्रेजुएशन, यानी अलग अलग, जैसे जूनियर असिस्टेंट और LDC की पोस्ट है इनके लिए 12th पास होगा और जो असिस्टेंट ग्रेड 1 है इसके लिए शायद ग्रेजुएशन मांग सकता है। डिपार्टमेंट जैसे सेवा विभाग है, इसमें जूनियर असिस्टेंट की 1672 वैकेंसी हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड है LDC की, इसमें 256 वैकेंसी। सेवा विभाग स्टेनोग्राफर की 143 वैकेंसी और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम विभाग जो है इसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 की 104 वैकेंसी। इसी तरह से वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बटी हुई हैं, टोटल वैकेंसी 2354 है। अब देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम किस तरह से होता है। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें टोटल आपका 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, यानी 200 प्रश्न और 200 नंबर के होंगे ये, यानी मार्क्स भी आपके 200 ही होंगे। 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर के क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें 40-40 जैसे हिंदी है आपकी, 5 पोर्शन होंगे इसमें, 5 पोर्शन में डिवाइड रहेगा ये आपका। जैसे हिंदी के 40 प्रश्न, इसके बाद दूसरा पोर्शन इंग्लिश है, इंग्लिश के 40 प्रश्न, फिर मैथ आपका, मैथ के 40 प्रश्न, फिर रीजनिंग के 40 प्रश्न, इसके बाद GK और GS या करंट अफेयर्स भी जोड़ लीजिए, इसमें 40 प्रश्न। तो टोटल 5 पोर्शन में आपका ये एग्ज़ाम डिवाइड है जिसमें 200 प्रश्न है, 200 नंबर के और 2 घंटे का। नेगेटिव इसमें 1/4 की रहती है, नेगेटिव 1/4 की। देखिए हिंदी 40 प्रश्न, इंग्लिश 40 प्रश्न, मैथ 40 प्रश्न, रीजनिंग 40 प्रश्न और GK GS 40 प्रश्न। DSSB जो भी एग्ज़ाम लेता है उसका यही एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यानी 5 सब्जेक्ट। वो आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी SSC वगैरह की भर्ती देखते होंगे तो उसमें GK, रीजनिंग और मैथ, ये 3 तो आते ही हैं, बाकी हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आता होगा, यानी इंग्लिश आएगा। और किसी राज्य सरकार की देखते हैं जैसे UP वगैरह की, तो वहाँ पर इंग्लिश की जगह हिंदी, लेकिन दिल्ली सरकार में क्या है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछे जाते हैं। तो 40-40 नंबर के ये 5 पोर्शन है, 200 नंबर का ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।